हाय गाइस, क्या आप कोफ्ते बनाते वक्त ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आपके कोफ्ते सॉफ्ट नहीं बनते? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपके लौकी के कोफ्ते बनेंगे बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट और डिलिशियस। साथ में हम तैयार करेंगे एक थिक और मसालेदार ग्रेवी। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। सबसे पहले हम लौकी के कोफ्ते तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी को छील के कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि अब लौकी में बहुत पानी होता है तो अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। तो एक सेपरेट बोल में मलमल का कपड़ा लें और कद्दूकस की हुई लौकी को उसमें रख के अच्छे से दबा के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। कद्दूकस की हुई लौकी को आपने अच्छे से दबा के निचोड़ना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रह जाए। अगर थोड़ा भी पानी लौकी में रह जाता है तो आपके कोफ्ते सही नहीं बनेंगे, इसलिए इसे अच्छे से निचोड़ लें और इसका पानी निकाल लें। अब इस निचोड़ी हुई लौकी में ऐड करेंगे कुछ मसाले। थोड़ा सा अजवाइन, 1 इंच फाइनली चॉप्ड अदरक, 2 से 3 फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च, 1 फाइनली चॉप्ड प्याज, थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड हरा धनिया, 1 बोल के करीब बेसन, थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अब आप इसे बिना पानी मिलाए अच्छे से मिक्स करें। आपकी निचोड़ी हुई लौकी में अभी भी इतना मॉइस्चर होता है कि बिना पानी ऐड किए आपके कोफ्ते अच्छे से तैयार होंगे। गाइस, कोफ्तों का मिक्सचर तैयार है। अब आप छोटे साइज के कोफ्ते बना लें। बहुत ज़्यादा बड़े कोफ्ते ना बनाएं, क्योंकि अगर आप बड़े कोफ्ते बनाते हैं तो वो फ्राई करते वक्त अंदर से कच्चे रह जाते हैं और ग्रेवी में डालने पर ये थोड़ा सा और फूल जाते हैं और ये सर्व करते वक्त बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अब कोफ्तों को खुले तेल में डीप फ्राई करेंगे, पर आप गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पे कुक करते हैं तो कोफ्ते छोटे होने के बावजूद भी बाहर से क्रंची हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इन्हें बीच बीच में चलाते रहिए, मगर बहुत हल्के हाथ से पलटिए ताकि कोफ्ते चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो सके। देखिए, कोफ्ते कुक हो चुके हैं और हर तरफ से इक्वली गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें तेल से निकाल लीजिए और एक प्लेट में नैपकिन पे रख दीजिए ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नैपकिन पर ही रह जाए। देखिए आपके कोफ्ते कितने सॉफ्ट हैं और कितनी आसानी से टूट रहे हैं। ये कोफ्ते इतने टेस्टी और डिलीशियस हैं कि आप इन्हें अपनी पसंद की किसी भी केचप या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आइए अब ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए 1 पैन में 2 बड़े चम्मच तेल ले लें, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हींग, 2 से 3 तेजपत्ता, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च और 1 बोल ग्राइंड की हुई प्याज। अब इन सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पर प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक लगातार चलाते हुए कुक करिए। आप प्याज को जितना अच्छे से पकाएंगे, जितने अच्छे से इसका कच्चापन दूर होगा, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी आपकी ग्रेवी तैयार होगी। और इसी दौरान इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें और जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी प्याज के संग अच्छे से पका लें ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो सके। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करिए कुछ सूखे मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। अब इन सारे मसालों को प्याज के साथ लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए सौते करें। देखिए आपके मसाले भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करिए 2 बोल टमेटो प्यूरी। हमने 1 बोल ग्राइंड प्याज यूज़ किया था तो यहाँ पर हम 2 बोल टमेटो प्यूरी यूज़ करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब टमाटर के पानी सूख जाने तक इसे कुक करेंगे। ग्रेवी में से काफ़ी छींटे आएंगी तो अब आप इसे ढककर कुक करिए। इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसे बीच बीच में चेक करते रहिए ताकि ग्रेवी पैन से लग के जल ना जाए। 10 से 12 मिनट के बाद देखिए तड़के में से तेल अलग हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें ऐड करिए लौकी का पानी, जो हमने पकोड़े बनाते वक्त लौकी को छान के सेपरेट किया था। ग्रेवी अभी भी बहुत गाढ़ी होगी तो आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें 1 बोल गर्म पानी और ऐड करती हूँ।
अगर आप ये ग्रेवी रोटी या नान के संग सर्व कर रहे हैं तो आप ग्रेवी थोड़ी सी थिक रख सकते हैं। अगर आप इसे राइस के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप ग्रेवी को और भी ज़्यादा पतला कर सकते हैं। तो अब आप इसे ढक कर 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करें। 4 से 5 मिनट के बाद देखिए ग्रेवी में से तेल अलग हो गया है और ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसमें ऐड कीजिए अपने तैयार किए हुए लौकी के कोफ्ते और साथ ही इसे डिलीशियस बनाने के लिए ऐड करिए कुछ सीक्रेट्स। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, फाइनली चॉप्ड हरा धनिया, थोड़े से अदरक की जूलियन और 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। इसे अच्छे से मिक्स करिए और अब इसे 1 से 2 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि आपकी ग्रेवी पहले ही तैयार है। इसी के साथ फ्लेम टर्न ऑफ कर दीजिए और आपके डिलीशियस लौकी के कोफ्ते सर्व करने के लिए तैयार है। गाइज एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना मत भूलिए।